अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूअर्स, बाउंटी बार चॉकलेट बनाने के लिए जा रहे हैं। चॉकलेट जो बनाने के लिए हमें इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है, ये हमारे पास कोकोनट चुरा लिया है हमने, इजीली मार्केट में अवेलेबल होता है। डार्क चॉकलेट है मेरे पास, कंडेंस्ड मिल्क का यूज़ करेंगे, कोकोनट क्रंच सब पैन में डाल देंगे। एक टेबल स्पून कंडेंस्ड मिल्क यूज करेंगे। पसंद करें, कम ज्यादा रख सकते हैं आप लोग। मिक्स कर लेंगे इसे अच्छी तरह। कोई भी कप हो नॉर्मल, उसका हाफ कप लेना है आपने। दूध ऐड कर देंगे। अब इसे कुक कर लेते हैं, जब तक इसका जो हमने मिल्क अंदर डाला है उसको ड्राई कर लेते हैं। जो दूध इसमें डाला है प्रॉपर तरीके से इसमें जाके ड्राई करना है इसको, मीडियम टू लो हीट पे रखते हुए। चॉकलेट को हम मेल्ट कर लेंगे। कोकोनट का हमने मिल्क ड्राई किया है, अब इसे रूम टेम्परेचर पे आने देंगे। रूम टेम्परेचर पे ले आए और हम इसको शेप देंगे। आपने फोर फिंगर्स में लेके इसको दबाना है। हमने ये शेप रखा है, इस शेप का सभी बना के फ्रीज कर लेंगे हम। आधे घंटे के लिए इसको फ्रीज कर देंगे। चॉकलेट को हमने डबल बॉयलर में करके इसको अच्छी तरह मेल्ट कर लिया है। 3 टेबल स्पून हमने बटर ऐड किया है इसमें, चॉकलेट में डिप करेंगे। अच्छी तरह कोटिंग करेंगे चॉकलेट की। अब इसे उठा लेंगे, जितनी चॉकलेट को नीचे गिरना है वो गिर जाएगी। और देखिए कितना शाइनी। सभी को इस तरह कर लेंगे हम। कोई भी शेप देना चाहें तो दे सकते हैं। ये राउंड बॉल की शेप दी है, बच्चे बहुत ही शौक से खाते हैं। किसी भी तरह का और अच्छा शेप देते हैं आप लोग, स्टार शेप देते हैं, डिफरेंट शेप कर सकते हैं इसमें, वही मज़ा आता है। हमारी बाउंटी चॉकलेट बिल्कुल तैयार है। तो चलिए इसी रेसिपी के साथ ट्राई कीजिएगा। इसी के साथ इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़। Just to keep from floating.